देखो यार, ये बात तो सबको पता है कि धोनी एक खुद्दार बंदा है। उसने क्रिकेट को अपना भगवान माना है, क्रिकेट उसके लिए सब कुछ है। आपने उसकी फिल्म भी देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि क्रिकेट के लिए उसके अंदर कितना पैशन है। शायद उतना पैशन किसी में ना हो, पर फिर भी उसने कप्तानी छोड़ दी। तो उसके 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला, विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली ने बीते सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और विराट कोहली ने टेस्ट कप्तान के रूप में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो लोगों ने विराट कोहली को धोनी के ऊपर देखना चालू कर दिया था। लोग ये चाहते थे कि विराट कोहली जो है वो धोनी की जगह ले, क्योंकि विराट में भी वो सारे गुण हैं जो कप्तानी के लिए होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली एक मेजर पार्ट रहा धोनी की कप्तानी छोड़ने का। दूसरा, धोनी के बल्ले से परफॉर्मेंस। हाँ यार, धोनी का बल्ला आजकल कम बोल रहा है, उनकी फॉर्म भी लय में नहीं है और धोनी कैप्टन होने के कारण बैट्समैन के तौर पे ऊपर नहीं खेल पाते थे। तो ये डिसीजन लेने के बाद शायद वो ऊपर खेलने आए और बल्ले से कुछ कमाल करके दिखाएं। तीसरा कारण है बीसीसीआई के पास ऑप्शन होना। जी हाँ, देखो यार, जब ऑप्शन होता है ना किसी के पास, तो हर कोई उसे ट्राई करके देखना चाहता है। तो बीसीसीआई के पास भी ये ऑप्शन था, उनके पास भी एक कप्तान का ऑप्शन था, वो भी पूरा परखा हुआ कप्तान जिसको उनने टेस्ट क्रिकेट में अपनी आंखों से देखा था कि नहीं यार, ये बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है। उस ऑप्शन को बीसीसीआई ने इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसका नाम है विराट कोहली। तो बस अब देखना ये है कि विराट कोहली को जब इंडियन टीम की जिम्मेदारी मिलेगी तो क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, क्योंकि यार धोनी जैसा होना सबके बस की बात नहीं है। धोनी अल्टीमेट बंदा था। तो बस अब देखना यही है कि विराट कोहली में वो गुण है कि नहीं है। तो जो भी हो, क्रिकेट में एंटरटेनमेंट भरपूर मिलेगा और नई नई चीज़ें मैं आपको ऐसी बताते रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।